वेलकम माई यूट्यूब चैनल और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारे ड्राइविंग टेस्ट का डे 3 है जिसमें हम सर को सिखाने वाले हैं आज थर्ड एंड फोर्थ गियर पे हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए और गियर को कैसे मैनेज करना है, कब कहाँ कितनी स्पीड की जरूरत होती है, तो हम आज सबको वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे से और सेकंड डे से आप अपनी सारी चीज़ें याद कर लो कि आपको पहले क्या क्या चेक करना है। आपके साइड मिरर्स ओके है ना? सीट बेल्ट हटा, अब सेट है अभी? अभी तो ठीक लग रहा है, सीधा होगी तो ये थोड़ा वैसे है ना। हाँ हो सकता है। बाकी हैंड ब्रेक आप इंजन स्टार्ट करें। फर्स्ट के क्लच को बहुत स्मूथली छोड़ना है, फिर रेस को आप रिलीज करेंगे। शुरुआती अच्छा रहा। रेस देकर गाड़ी को सेकंड गियर पे करेंगे क्योंकि हमें आज थर्ड एंड फोर्थ के बारे में टिप्स लेने हैं। सेकंड गियर डालिए, सही है, बहुत। हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, ठीक है सर? इंडिकेटर लेफ्ट, स्लो, यस, अब रेस स्टीयरिंग स्लो, धीरे धीरे आप सीधा करके, परफेक्ट। अब रेस देंगे और थर्ड गियर, और गियर को आप तुरंत डालेंगे रेस में गाड़ी आते ही। हाँ, हम स्ट्रेट चलेंगे बिल्कुल, राइट लेफ्ट देखते हुए चलना है। यहाँ चौराहा है, अब आप स्लो करिए न्यूटन करके, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी आप फिर से गाड़ी को स्पीड देंगे, गियर डालते समय हमेशा ध्यान रहे जैसे ही आप गियर पे हाथ रखते हैं गियर 1 सेकंड में डल जाना चाहिए, उससे कम ही समय में, है ना, ताकि स्पीड स्लो ना हो। परफेक्ट। अब हम चौथे गियर में चल रहे हैं। आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल अच्छा है, ये तो क्लियर हो चुका है। बाकी थर्ड एंड फोर्थ गियर का बस यही है कि इसे हमें जब हम रिलीज करते हैं तो सिर्फ स्पीड के लिए, बाकी इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। बस हमारा मेन फर्स्ट और सेकेंड गियर होता है। अभी आपने न्यूटन किया है स्लो करने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि रेड लाइट है। ब्रेक सडनली नहीं, स्लो स्लो यहीं पे कंट्रोल करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे सामने की ब्रेकर है, ब्रेकर पे आप गाड़ी लेंगे तो थोड़ा सा रेस को ज़्यादा रखेंगे लेकिन क्लच पूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और फिर जब क्रॉस कर लेंगे तो आप रेस में रख के जैसे ग्रीन लाइन होगी फिर आप सेकंड गियर डाल के स्पीड करेंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट तरीका। सेकंड गियर भी आपने यूज़ कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। फिर से हल्का सा ब्रेकर है, इसी स्पीड में आप मैनेज कर लेंगे। बहुत बढ़िया स्पीड एंड थर्ड गियर, परफेक्ट। फोर्थ, परफेक्ट। पूरा क्लच दबाकर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ लेकिन कोई नहीं। स्ट्रेट ही चलेंगे हम अभी, सडनली नहीं ब्रेक लेना है, स्लो। आप रेस को छोड़ देंगे धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। यहाँ पे हल्का ब्रेक, रेस, फर्स्ट गियर नहीं, सेकंड गियर, सेकंड गियर, स्लो स्लो स्लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, परफेक्ट। ठीक है, सीधा सीधा चलिए, वो निकल जाएगा। कोई भी हॉर्न दे उस पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने को ये देखना है उसकी गाड़ी बची हुई है, लगी नहीं नीचे, बाकी हॉर्न देता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि हमें पहले खुद को भी सेव करना है ना, और दूसरे को भी। ये थर्ड गियर में हम चल रहे हैं और आप ठीक है, अभी थर्ड गियर में ही आप रखेंगे, हम गाड़ी को यू टर्न लेंगे, है ना। तो आप धीरे धीरे राइट का इंडिकेटर करें, और गियर आपने न्यूटन कर लिया है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप गाड़ी स्लो हो गई है तो फर्स्ट गियर, अब इसी स्पीड में आप गाड़ी को बहुत स्लो मोड़ेंगे, आप जितने स्लो मोड़ेंगे उतने कम जगह में गाड़ी टर्न हो जाएगी, बहुत बढ़िया सर, परफेक्ट। ये फ़ायदा होता है स्लो में मोड़ने का। और देखिए अपनी लेन में आप वापस आ गए, तो फिर से सेकंड गियर स्पीड, फोर्थ गियर। तो बस थर्ड और फोर्थ गियर का यही है कि हमें सिर्फ स्पीड के लिए इसको यूज़ करते हैं, बाकी फर्स्ट और सेकंड गियर में हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि इंजन को थोड़ी पावर मिले, है ना सर। तो बस ये होता है क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी को उठा लेते हैं, पिकअप बनाती है उसमें स्लो, परफेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे आप हल्का स्लो करेंगे, अब स्पीड देंगे, गाड़ी अपने लेवल लाइन पे आ गई है, ये डिफॉल्टर जा रहे हैं, क्लच पे पूरा पाँव रखेंगे आप, है ना। अभी आपने थर्ड गियर लगाया था तो थोड़ा सा दम सा लगा ना, और आवाज़ सी आई। तो अब क्या आप ट्राई करेंगे इसको, देखना बहुत सॉफ्टली जाएगा। अभी आप न्यूटन कर लें और गाड़ी को स्लो रखें, अब बिल्कुल ब्रेक पे हल्का हल्का पाँव रखें, स्लो स्लो स्लो, बहुत परफेक्ट। ये सबसे अभी तक का बेस्ट मोमेंट है जो आपने ब्रेक लिया, बहुत प्यारा। और ये बस इसी तरह से ब्रेक लेना, सडनली नहीं लेना है कहीं पे भी, क्योंकि सडनली ब्रेक लेंगे फिर रेस देंगे तो पीछे वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, और यार गाड़ी लग भी सकती है ऐसे। फर्स्ट गियर से हमने स्टार्ट किया, अब ऐसे ट्रैफिक में हमें फर्स्ट गियर की ही ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद आप सेकंड मैनेज करें। अब सेकंड डालिए, ये हो गया, आपके दोनों तरफ गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, बहुत ध्यान से आप अपने गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर लें। आज हमने पार्किंग लाइट का यूज़ नहीं किया है, जबकि है ना, आप ऐसे ही रखें तो चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से ओवरटेक कभी नहीं होता, वो गलत कर रहा है, इंडिकेटर दे दिए थे। हाँ नहीं, और वो गलत कर रहा है, वो लेफ्ट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, और गलत तरीका है, आप अपनी जगह ठीक से सही चल रहे हैं, परफेक्ट। हम बिल्कुल टी पॉइंट तक चलेंगे अभी, यहाँ पे आप थर्ड गियर पे कर लें, बहुत बढ़िया। अब स्पीड, फोर्थ गियर एंड स्लो, और हाँ सेकेंड गियर करिए, क्लच पूरा, हाँ अब लेफ्ट, ऐसे स्पीड में गाड़ी रहती है, हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे गियर को डाउन करना है ताकि गाड़ी झटके ना ले, है ना। तो इसी तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे, ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा, बाकी ठीक है ये हो जाएगा धीरे धीरे। ये भी किया, फिर से थर्ड गियर में आ गए हैं एंड फोर्थ गियर, बहुत जल्दी आपने पिकअप किया इस बार फोर्थ गियर, और ठीक है, लेकिन फोर्टी या फोर्ट, हाँ यू टर्न नहीं, आप लेफ्ट टर्न करें, इंडिकेटर लेफ्ट का, न्यूटन है अभी, अब सेकंड गियर कर सकते हैं क्योंकि स्पीड में है इतनी गाड़ी, नहीं गियर फोर्थ हो गया है, क्लच बंद हो गई है गाड़ी, ठीक है बंद हुई है। क्लच पूरा दबाइए, अब गियर डालिए सही से, बंद हो गई, नहीं ठीक है गड्ढे में पहिया बहुत, हाँ आप गाड़ी को बीच में ही रखेंगे, है ना, फोर्थ गियर, बहुत
ये अभी आपने बहुत कम समय में फोर्थ गियर को लगाया और बहुत प्यारे तरीके से लगाया, ऐसे ही लगाना चाहिए। पता भी नहीं चला कि गाड़ी स्पीड में गई भाई। अब आप गाड़ी को सडनली नहीं ब्रेक करेंगे, अब स्पीड को छोड़ दीजिए, अब गाड़ी को वहाँ तक जाने दीजिए। अब आप गियर पे हाथ रखिए, थर्ड गियर में करिए, क्लच हल्का प्रेस करे रहिएगा। हाँ, गाड़ी ने झटका नहीं लिया ना। अब आप फिर से हल्का सा ब्रेक लेके सेकंड गियर में करिए, क्लच पूरा तो सेकंड गियर में, बहुत बढ़िया। अब आप धीरे धीरे इसको फर्स्ट गियर में करके स्लो करिए, क्लच पूरा कंट्रोल स्लो, बहुत बढ़िया। अब टर्न करेंगे, यस लाइन क्लियर है, आप चलिए बिल्कुल बिल्कुल इसी लेन में, परफेक्ट। फिर से सेकंड गियर, थर्ड गियर, परफेक्ट। फोर्थ गियर, बहुत बढ़िया सर। अभी हम चल रहे हैं 55 पे पहुंच रहे हैं, 60 पे पहुंच चुके हैं स्पीडोमीटर जो हमें दिखा रहा है, परफेक्ट। अब आप यहाँ पे फिफ्थ गियर का यूज़ करें, सडनली आप फिफ्थ गियर डालेंगे, आप आगे ब्रेक करें। इधर अभी आप सीधे ये राइट टर्न आ गए क्या? एक और है। हाँ, हमें यू टर्न लेना होगा शायद। हाँ, यहाँ पे ब्रेकर है, सॉरी स्पीड को आप छोड़ दिया। हाँ, जब लगे कि थोड़ा, क्योंकि ब्रेकर भी अलग अलग डिज़ाइन से बनाए गए हैं ना, कुछ पे पता नहीं चलता, कुछ पे तो बहुत तेज़ झटके लगते हैं। तो हम पहले यू टर्न करेंगे, और आपने थर्ड गियर में किया है, सेकेंड गियर में आपने देखिए क्लच पूरा छोड़ दिया मेरे ख्याल से इस टाइम। अब आप स्लो स्लो फर्स्ट गियर, यहाँ पे फर्स्ट गियर की ज़रूरत है आपको, यस ये। अगर आपने फर्स्ट गियर नहीं किया होता तो गाड़ी वाइब्रेट करती क्योंकि स्पीड स्लो हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत बढ़िया से आपने मैनेज किया इसे। सेकेंड, ठीक है, टर्न लेफ्ट, इंडिकेटर आप पहले से दे दीजिए। रिक्शा वाला जा रहा है, आप इसको जाने दें, स्लो करें उसको, जाने दें पहले, और स्लो, सडनली ब्रेक नहीं, बहुत प्यार से, ठीक है। फर्स्ट गियर, परफेक्ट। देखो ये दूसरे डिफॉल्टर है, इनके बाप की रोड, परफेक्ट। आपने स्पीड स्लो किया गड्ढे को देखकर, और ऐसे ही करना चाहिए। राइट टर्न, इंडिकेटर, स्लो स्लो रखिए अभी, ये फर्स्ट में है, ठीक है। हाँ, आप सीधा स्टेयरिंग पे कंट्रोल, हल्की स्पीड एंड सेकंड गियर, तो आपके अंदर थोड़ी बहुत जो हेजिटेशंस थी, डर था मेरे ख्याल से, वो तो ऑलमोस्ट स्लो, यहाँ पे स्लो, स्पीड, लेफ्ट भी देखना है। यहाँ पे अब थर्ड के, ओके, तो पहले से काफी ज्यादा अभी आपको कैसा फील हो रहा है सर? मैं काफी कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, बहुत अच्छी बात। तो बस ऐसे ही है, बस एक थोड़ा सा डर होता है उस पल में जब तक हमें नहीं आती चीज़ें, डर है जैसे सडनली जैसे अब रुकना है। हाँ, तब तो मुझे पता है कि रुकना है यहाँ पे। अभी आप हल्का सा रेस दें गाड़ी में, रेस करें हल्का सा। अब आप रेस से पाँव उठाएं, हल्का सा ब्रेक पे पाँव रखें बस, धीरे धीरे ब्रेक को दबाएं, धीरे धीरे, और अब और फिर से दबाएं, धीरे 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 धीरे। हाँ, अभी जैसा कि ना हम जब ये जो झटका लेती है ना गाड़ी सडनली ब्रेक वाला, ये हम पूरा पंजा रख देते, पंजे को नहीं रखना है, स्लो दबाना है, स्लो। आप फील करो कि हाँ मैं, मेरी मुझसे गाड़ी कितनी दूर है, मुझे कैसे रुकना है, क्योंकि गाड़ी इस समय हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, तो हमें उसे फील करना चाहिए कि हाँ क्या डिस्टेंस है, कितने पे मैनेज करना है हमें। और गियर जब भी चेंज करें क्लच पूरा दबा के,
पूरा क्लच जब स्पीड में आ जाए गाड़ी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा और ज़रूरत है, स्ट्रेट चलेंगे हम। आप रेस दीजिए बिना रुके, यहाँ पे रुकना नहीं है आपने, और ऑलरेडी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। चलिए उसने क्लियर कर दिया है। थोड़ा अभी आंखों में समझ नहीं पा रहा। हाँ, वो चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, बस ये चीज़ है। नहीं, जब आप गाड़ी को ना मूवमेंट देख के आप समझ जाओ, वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। जब आपकी गाड़ी स्पीड में रहेगी ना और सामने वाला रुका रहेगा, तो वो समझ जाएगा भाई ये गाड़ी स्पीड में है, स्लो भी करेगा तो भी क्रॉस कर जाएगा, तो अपने आप वहाँ स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फिर भी एक्टिव होकर ही चलना है वहाँ पर, कि भाई क्या पता कोई बेवकूफ़ हो बढ़ा ही दे, तो हमें वहाँ पर कंट्रोल कर सके। ठीक है, फर्स्ट गियर में आकर हम यू टर्न करेंगे। परफेक्ट, बहुत स्लो अपनी लेन में, और पीछे वाली गाड़ी जब क्रॉस हो जाए तो आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर लेना, लेफ्ट साइड लेन में इंडिकेटर देकर। यस, थर्ड गियर डालेंगे हम। अभी फोर्थ गियर की जरूरत है ना? यस, परफेक्ट। हल्का सा रेस स्लो करेंगे, थर्ड गियर डालिए तुरंत, स्पीड करिए। वो मोमेंट समझ गया, जैसे कि उसने देख लिया कि स्पीड में है गाड़ी, तो वो रुक गया इसीलिए। हाँ, इस बार भी आपने गियर अच्छे से डाला। क्लच हमेशा पूरा कंट्रोल दबा के चलना है क्लच को, जब गियर डाल लेगा टाइम आए तो। उसके बाद पाँव को फ्री कर लो। अब आप गाड़ी को न्यूटन करें, हल्का हल्का ब्रेक रेस से हटाया पाओ, हल्का हल्का ब्रेक फील करके। हाँ, अभी भी जाने दें ऐसे ही। हाँ ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इस तरीके से ना, इस बार आपको थोड़ा सा फील हुआ कि मैं पहले कैसे ब्रेक पे सडनली पाओ। आप पूरा पंजा रख देते हैं, पूरा पंजा नहीं रखना चाहिए ब्रेक पे, वरना उसमें सडनली ब्रेकिंग होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, चोट भी लग जाती है। हाँ बिल्कुल, जो पीछे बैठे होते हैं वो तो आगे आ जाते हैं। वो चोट लगी थी मुझे। अच्छा, जब दीदी को लगी थी ना, वो भी सीट बेल्ट नहीं थी, मैं भी नहीं था, और ब्रेक आपने दबा तो मुझे यहाँ लगा था, दीदी को यहाँ पे, और वहाँ बॉडी जंप कर जाती है ना। आप रश में गाड़ी चला रहे हैं, आपको इसका भी एक्सपीरियंस होते जा रहा है। हाँ, क्योंकि जब जैम होता है तो हमें कैसे चलना है वो भी आप इसको हल्का हल्का कैच करते हुए चलते रहिए कि हाँ भाई राइट लेफ्ट हमेशा मैनेज करके। तो आज आपने तो 60 की स्पीड में गाड़ी चलाई है, ये फर्स्ट टाइम है। कंट्रोल स्टीयरिंग का कंट्रोल, मेन चीज़ स्टीयरिंग का कंट्रोल भी है, जो आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो चलिए, अब हम घर की तरफ रिटर्न कर चुके हैं, और आज सर अपने घर तक गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। इतने रश में फ्लाई ओवर्स हैं, अंडर पास हैं, काफ़ी रस एरिया है, लेकिन सर गाड़ी बहुत बढ़िया चला रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड गियर को का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ब्रेक का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सर, आज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सुपर, वाह, फैंटास्टिक, कॉन्फिडेंस आया। ओके, वन पहले रुक जाता था गाड़ी स्पीड के लिए यूज करना होता है, फर्स्ट मेन हमारा होता है, फर्स्ट एंड सेकंड।